साधारण से दिखने वाली चाय पत्ती से आप अपने बालों का हेयर फॉल ओनली 20 डेज में स्टॉप कर सकते हो। 100% सच है ये। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान आप हेयर फॉल को लेके, तो सीरियसली अगर आप चाय पत्ती को यूज़ करते हैं जैसे कि मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से, तो आपका हेयर फॉल ज़रूर स्टॉप होगा। ये मेरा आपको पक्का वाला प्रॉमिस है। और मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद आपको बताती हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो डियर्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैटर ये करती है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो हेयर्स हैं वो हेयर फॉल हो क्यों रहा है, क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं। तो ये पता कीजिए कि हेयर फॉल का आखिर प्रॉब्लम क्या है। हेयर फॉल बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से हो सकता है, मिनरल्स या विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी डिहाइड्रेट है तो हो सकता है, आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करते हो तो भी हो सकता है, अगर आप नींद भी पूरी नहीं करते हो तो भी हो सकता है, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है स्ट्रेस, मौसम। तो देखो यार, प्लीज़ स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे बैठ के सॉल्व करो, बात करो, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो अगर आपको हेयर फॉल अगर स्टॉप करना है तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और सच में आपके 20 डेज में जो हेयर का हेयर फॉल स्टॉप है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, मैं सच्ची बोल रही हूँ। तो वेल, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले सिर्फ आपको इस रेमेडी को ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको कोई बर्तन ले लेना है। आप कांच का बर्तन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे गर्म नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे स्टील का बर्तन यूज़ किया है और 2 चम्मच चाय पत्ती लेके 1 गिलास उसमें पानी ऐड कर दिया है। मैंने इसे यहाँ बॉईल होने के लिए रख दिया है। इस चाय पत्ती को हम बहुत अच्छे से खौलाएंगे जब तक कि इसमें पूरा कलर इसका ऐड ना हो जाए। डियर्स, जब गुनगुना कह सकते हैं ऐसा आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप इसे खौला लीजिए और ये जो मिक्सचर तैयार हो जाए इसे आप कंटिन्यू प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, तभी इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस तरह से छान के इसको अलग कर लीजिए ताकि ये आपके बालों में फंसे ना, क्योंकि अगर ये आपके बालों में फंस गया तो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हम वेट करेंगे इसके ठंडे होने का, और जब ये ठंडा हो जाएगा बहुत ही हल्का सा गर्म होगा, जैसे कि अभी ये ठंडा हो चुका है, फिंगर मेरी नहीं जल रही है, तो ऐसा हम यूज़ करेंगे। तो निकोटीन जो होता है वो आपके हेयर फॉलिकल को रीग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं और उस जगह पर दूसरे बाल नहीं आ रहे हैं तो उनको ये एक्टिवेट करता है और आपकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। रीग्रोथ मीन्स आपके अगर बाल झड़ गए तो उस जगह पे दूसरे बाल आ जाएंगे, तो उस चीज़ को ये बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा चाय पत्ती बहुत महंगी नहीं होती, बहुत सस्ती होती है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है, जब आप शैम्पू करते हो ना, जैसे आपने आज शैम्पू किया तो आपने शैम्पू कर लिया, उसकी थोड़ी देर बाद अपने हेयर पे आप उसे अप्लाई कर लीजिए, मतलब धो लीजिए उसे अच्छे से बालों को, और उसके बाद आप उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो। आप चाहो तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, अगर आपको बहुत अजीब लग रहा है या कुछ, मतलब किसी किसी को नहीं पसंद आता तो ऐसी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो यार थम्स अप तो दे ही सकते हो। बस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।